नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी कभार कुछ कार्यवाहियां दर्शाई जाती हैं। ऐसी ही एक कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा देखने को मिली, जहां पर माफियाओं द्वारा जो अवैध रूप से पुल बना लिया गया था उसको हटाया गया। खनिज माफियाओं द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल को खनिज विभाग ने तोड़ दिया। अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 8 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। खनिज अधिकारी अमित मिश्रा और इंस्पेक्टर अजय मिश्रा की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 जगह से पुल को तोड़ दिया। गौरतलब है कि रामपुर से कुरावर होते हुए उत्तर प्रदेश रेत से भरे हुए ट्रक जाते थे। खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मौके पर बुएरा थाना पुलिस भी मौजूद है।